बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अम्मा बाद फौज बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इब्तदा कर और आप लोगों ने आज इस चीज का सबूत दिया है कि आप कल भी राजा आबद हुसैन के साथ थे, आप आज भी राजा आबद हुसैन के साथ हैं। राजा हमद नवाज साहब, PP-10 के उम्मीदवार राजा मोहिन सुल्तान साहब और सबका हमारे यूनियन काउंसिल तम्याल के नाजम शहद इकबाल साहब और राजा साकब साहब और मलक अमाद साहब और राजा साकब साहब, जनाब आन और आबद हम फेस टू और थ्री फोर से जो आए हैं, जो अलियान समरदार यूनियन काउंसिल तामा, यूनियन काउंसिल कल्याल और यूनियन काउंसिल तम्याल से आए हुए हैं, तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा कर के कोई जाग ना जाए। गुलामी के असीरों की यही एक खास अदा है, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए। गुलामी के असीरों की यही एक खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बाप पे यकजा, होती नहीं जो कौम हक बाप पे यकजा, उस कौम के हाकिम ही फकत उसकी सजा है। सामीन जी वकार, राजा हामिद नवाज साहब ते और पिंडाल में बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के शेरों, राजा देखो कल्याल की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, अब वक्त तुम्हारा बीत चुका है, नहीं मिजाज जीत चुका है। से जाते रहे और उन लोगों ने इस हलका को पसमानदा तरीन हलका बना दिया पूरे मुल्क में। मैं बहसीयत चेयरमैन यूनियन काउंसिल दम्याल, मैं आजाद हैसियत में मुंतखब हुआ। आप यकीन जाने कि PTI के दौर में हमारी यूनियन काउंसिल दम्याल में एक रुपए का काम PTI की हुकूमत से नहीं हुआ और ना हमने कोशिश की, क्यों? उनका काम करने का रवाज ही नहीं था PTI का, और हमारे जो यहाँ से नुमाइंदे थे वो भी उनके तरजीहात और थी, चाहे वो मुकामी MPA हो या मुकामी MNA हो। MNA सब हमारे टैक्सला से बिलोंग करते थे, MPA जो हमारे थे वो तहसील कोटा से उनका वास्ता था, सो वो यहाँ अपने मतलब के लिए आते थे, उनका हम लोगों से या आप लोगों से कोई हमदर्दी नहीं थी, उन्होंने अपना मतलब और चलते बने। जहाँ तक हमारी बात है, हमारे खानदान ने इस हलका में पिछले 40 साल से इस हलका की खिदमत की है मुख्तलिफ अदवार में, और हमारे बुजुर्ग उन्होंने इस हलका में शराफत की सियासत को फरोग दिया है, और हम भी इंशाअल्लाह ताला आगे वही रवायत लेके चलेंगे और इस हलका में शराफत और ईमानदारी और दयानत की सियासत को फरोग देंगे। और आप इस हलका की तारीख उठा के देखें, इस हलका में जितने तरक्याती काम राजा हामिद नवाज साहब बतौर तहसील नाजम जो थे उन्होंने किए, इस हलका की तारीख में इतने काम नहीं हुए। और इस हलका में यह भी मिसाल थी कि तरक्याती काम पहले हो जाते थे, टेंडर बाद में लगता था,
सो अब आप लोगों से, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों से ये गुजारिश है कि आपने एक तो गैर मुकामी उम्मीदवारों का सही तरीके से बंदोबस्त करना है, उनको बुरी शिकस्त दे के यहाँ से भिगाना है, और इंशाल्लाह ताला हमारे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपकी खिदमत करेंगे, पहले भी हमारे खानदान ने आपकी खिदमत की है और आइंदा भी आपकी। तो मैं मुख्तसर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं राजा आबिद साहब का, उनके तमाम टीम का, राजा साकिब साहब का और एलियान यूनियन काउंसिल कल्याल का दिली तौर पर मशहूर हूँ कि आपने हमें यहाँ पे दावत दी, इज्जत बख्शी, जिस पे आप को मैं जितना भी खराज तहसीन पेश करूँ कम है। या मुझे अपना तारीफ कराने की या अपने दौर के जो काम हैं उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैसीयत तहसील नाजिम, चेयरमैन आरडीए और टाउन नाजिम कोठवार, इस इलाका की जो मैंने खिदमत की वो लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। और जहाँ जहाँ आप जाएं, किसी यूनियन काउंसिल में जाएं, फैजाबाद से लेके चकबेली तक, एक्सला तक, जहाँ जहाँ पे हमारी रावलपिंडी तहसील की हदूद है, वहाँ पे आपको आज भी मेरे दौर के हुए हुए काम जो है वो नजर आएंगे। और यही वजह है कि आज भी लोग मुझे वही इज्जत देते हैं जो उस वक्त देते थे 2001 से लेके 2009 तक। और लोगों की ख्वाहिश पे ही मैंने ये फैसला किया कि मैं दोबारा आपकी खिदमत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और जहाँ पे ये तरक्की का दौर रुका था उसको दोबारा वहीं से शुरू किया जाए। इंशाल्लाह जिस तरह मेरे भाई राजा आबिद ने यहाँ पे जिक्र किया कि हमारे सैन तक इन्होंने पक्के किए, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों ने आज राय मजाक मुझे ये कहना शुरू कर दिया था कि कंक्रीट की गलियां और सैन जो है वो आपका इंतखाबी निशान है। जहां जहां पे भी किसी गांव में आप चले जाएं, लोगों के जो घरों में पैर सैन में तंदूर लगे हुए, वहां तक गलियां जो है वो मैंने पक्की की, और मुझे इस चीज पे फख्र है कि मैंने खिदमत की। यहाँ पे गैस का जो मसला था, किसी भी यूनियन काउंसिल में 80 यूनियन काउंसिल थी, रावलपिंडी तहसील में 80 यूनियन काउंसिल में कोई एक यूनियन काउंसिल का कोई एक शख्स भी कोर्ट के किसी स्टेज पे ये नहीं कह सकता कि मैंने उनका काम नहीं किया या उस इलाके की खिदमत नहीं की। एलियान तहसील रावलपिंडी के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो उस वक्त मेरी टीम थी जिसमें राजा आबिद साहब भी थे, दीगर हमारे भाई भी थे, उन्होंने मेरे साथ तावन किया और मुझे ये कामयाबी हासिल हुई। आज क्योंकि आज हमारा पहला जलसा है इस यूनियन काउंसिल में, बातें बहुत सारी हैं जो करनी है। जो अभी हुकूमत खत्म हुई है पीटीआई की, उसकी जो करप्शन, क्योंकि अभी चौधरी नईम साहब ने भी आपसे बात करनी है और एक और जगह जाना भी है, और सर्दी का भी मुझे एहसास है। एक इल्तिजा आपसे जरूर करूंगा कि जिस तरह पहले राजा साकिब साहब ने यहाँ पे कहा कि बाहर से लोग आके आपको सिर्फ इस्तेमाल करके चले जाते हैं और उसके बाद इस इलाके का रुख नहीं करते, उसकी वजह यह है कि उनका इस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ वोट लेने की हद तक। तो मैं आप लोगों से, तमाम भाइयों से, बुजुर्गों से बिलखसूस ये अपील करूंगा कि आप उन्हीं लोगों को मुंतखब करें, उन लोगों को यहाँ पे अहमियत दें जो इस इलाके के, इस हलके के रहने वाले हैं। जो लोग बाहर से आके आपको सबज बाग दिखाएं, बड़ी मेहरबानी, उनको सीधा सीधा जवाब दें और उनसे ये कहें कि हमने पहले लोगों को आजमा लिया है जो इस इलाके से ताल्लुक नहीं रखते थे, जो उन्होंने इस इलाके के साथ किया, हम दोबारा अपने बच्चों का मुस्तकबिल।
राजा मोइन सुल्तान साहब पीपी 10 से, जनाब मोहतरम खालिद रफीक साहब यहाँ पे हैं, चौधरी अजहर साहब, राजा उस्मान साहब, राजा जैद साहब, उसके अलावा यहाँ पे पिंडाल में जितने भी बड़े छोटे बुजुर्ग मेरे भाई स्टेज पे इंतजामिया जितने भी बैठे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो प्रोग्राम रखा है क्यों रखा है, दो दिन पहले यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, गालबन जुम्मे वाले दिन की बात है, उन्होंने एक ऑफिस यहाँ पे ओपन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, चौधरी नई मिजाज का, पीपी 10 एनए 53। उन्होंने कहा चौधरी साहब आपने यहाँ पे आके इस ऑफिस की ओपनिंग करनी है। हम लोग शाम के टाइम पे वहां पे आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम 100-150 बंदा था, ओपनिंग करके चले गए। रात को मैसेज चलने शुरू हो गए कि यहाँ पे जो कॉर्निंग मीटिंग थी और क्या था, तो ये था वो नहीं था। तो मैंने राजा अब्बास साहब को बोला अब्बास साहब आपके पास एक दिन का टाइम है, मैंने संडे को इधर आके मीटिंग करनी, इनको मैंने बताना है मीटिंग क्या होती है और लोग कैसे इकट्ठे थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों ने इकट्ठा होकर बता दिया। एक्स तहसील नाजम रहे हैं राजा मोइन साहब, उनका भी सारी पूरी फैमिली सियासत से तल्लक है। मैं बेसिकली एक बिजनेसमैन हूँ, एक कारोबारी हूँ, लेकिन मैंने हालात वाकयात जो भी देखे सियासत में कदम रखा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है बाखुदा लोगों की खिदमत करना, उनके मसाइल हल करना, इसके अलावा मेरा सियासत मानने का कोई मकसद नहीं है। डिस्पेंसरीज दी हैं, एक डिस्पेंसरी हमारे राजा साहब आपकी यूनियन काउंसिल में कल सुबह इंशाल्लाह डिस्पेंसरी शुरू होगा। दी है मैं अपनी जेब से भी करवा सकता हूँ और मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। भाई है मैं सिर्फ उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि मोहतरम अगर आप इतने लॉयल हैं पार्टी के साथ, आप आके सिर्फ और सिर्फ एक ही नारे लगाते हैं जी फलां बंदे के पास फलां जूते हैं, फलां ने कहे फलां गाड़ी है, फलां चीज है, इसके अलावा आपको कोई बात आती है? आप नून लीग के अंदर ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप क्या घर के अंदर इख्तदार करेंगे? और मेरे भाई बाहर निकल के देख, यहाँ पे और बहुत सारी पार्टियां हैं, तू इलेक्शन लड़ रहा है या करंडी खाना खोल के बैठे हुए इधर? तेरा काम है अगर तू आया तो कुछ करके दिखा, खाली आम आदमी से नारे मारना, मैं आम आदमी ये चीजें नहीं चलेंगी। आप फिजिकल आ, प्रैक्टिकल कुछ करके दिखा। एक हल्का ये जो एनए 53 है, एक जाके चकवाल के साथ लग रहा है, इसका तरह था दूसरा अटक के साथ लग रहा है, तीसरा आपका यहाँ पे कलर कार के साथ लग रहा है, चौथा डाले के साथ लग रहा है, तू घर में बैठ के आम आदमी क्या करेगा? बताना लोगों की जरूरतें चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों के मसले हल करने हैं। इससे पहले 35 साल में बहुत आम आदमी आए हैं, लोगों को उलझाल जाके गए हैं, थाना कचहरी जलालत, इसके अलावा कुछ नहीं। कौन से आम आदमी ने इससे पहले आके इक्तदार में आके क्या क्या किया उन्होंने सिवाय जलालत के? कुछ नहीं। सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इक्तदार में हुए और आपके अगले वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है और हम उनके सिपाही हैं, वो हमारे लीडर है, वो हमारे कायद हैं और आपका भाई इंशाल्लाह आप लोगों के जितने भी मिसाइल हैं, जो भी मसले हैं, बच्चों के रोजगार हैं, कोई भी इशू है इंशाल्लाह वो हल करवा के देगा। ये मेरा उलझाल जाके कभी इधर कभी उधर 5-5 साल पूरे किए, हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है, हमारी आपस में दुआ खैर भी यही हुई है कि हमने इन लोगों के मसाइल हल करने हैं और हल करके बताना है कि कोई आए थे और कुछ करके गए हैं। ये पीटीआई की तरह नया पाकिस्तान हमने नहीं बनाना, हमने पुराने पाकिस्तान में रह के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अम्ब्रेले में रह के आप लोगों के सारे मसले हल करने हैं इंशाल्लाह। बड़े टाइम से बैठे हैं और बहुत आपने हमारा इंतजार किया है, आप लोगों को किसी भाई का कोई जॉब का मसला हो, कोई इशू हो, मेरा जीटी रोड के ऊपर दो ऑफिस है, ब्लू वार्ड और ब्लू हिल्स, सियाल बाजार के अंदर मेन में मेरा सेक्रेटेरिएट ऑफिस है, राजा हामद साहब का दमयाल में वहां पे पूरा खुला हुआ ऑफिस, किसी भाई का कोई मसला ब्लाक कलफ आप आ जाए, रोजगार और कोई मसला मैं आपके 24 घंटे आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूं, किसी को वापस खाली नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं यहाँ पे आके उसकी खुद उसकी ओपनिंग भी करूंगा, उस इलेक्शन ऑफिस को सिर्फ यहाँ पे ओपनिंग करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि कुछ लोग अगर वहां तक नहीं आ जाते अपने मसाइल इधर आके हमें बताएं, आपके मसले अमल करेंगे। किसको नहीं मिलना, ना मैंने फैसला करना है ना किसी और ने फैसला करना, अभी तक तो बोर्ड ही नहीं बना, अभी तो टिकट का बोर्ड ही बना, मैंने तो सुना है लोग वहां पे चक्री में इधर उधर जाके टिकट बांटते फिर रहे हैं, बोर्ड अभी तक बना नहीं है, टिकट कौन सा मेट्रो का, तेज काम का या एयर अरेबिया का बांट रहे हैं, वो किस चीज का टिकट दे रहे हैं, वो बोर्ड बनेगा?
उनको देखना है कौन क्या कर रहा है। अवाम से टिकट नहीं मिलते, टिकट मिलते हैं लोगों के मसाइल हल करने से। लोगों के मसले क्या है जी? रोजगार, उनके जो गलियों के मसले, उनका पानी का मसला, ये देखिए किसने हल करने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ करेगा तो शेर ही हल करेगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, बाकी कोई नहीं कर सकता। उसको तो दो दिन कोकीन अंदर ना मिले हो तो मर जाए। हमारा लीडर तो कोई नशा नहीं करता नवाज शरीफ, वो तो रुकी सूखी हर जगह पे रह के गुजारा कर लेते हैं। इसको तो एक दिन कोकीन अंदर मिले, ये तो दो मिनट ना निकाले। जिस जिसने भी कोई मसला हो, पाक खुदा में आपके मसले मैदान में अमल में आए, कि अल्लाह तो उनका आना कबूल फरमा, अगली जिंदगी के अंदर अवाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। राजद आबिद हुसैन साहब ने एक दिन के अंदर जो कामयाब तरीन फरमा।